गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम है मैर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेन्स बाबा के ऊपर में तो आज है होली तो मैंने सोचा कि आपको मैं तब से कुछ रंग तो लगा दूं तो सोचा मेगा करंट अफेयर का रंग कैसा रहेगा आपके लिए ये कम्प्लीट डोज है आपका तो आज मैं करेंट अफेयर को थोड़ा डिटेल्स में कवर करूँगा वो और आप प्लीज़ जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद कुछ बच्चे बोल रहे थे कमेंट में कि सर आज के दिन क्यों आ जाते हैं कम से कम एक दो दिन तो छोड़ दीजिए यार एक दो दिन नहीं छोड़ सकता आपको क्योंकि सेवेंटी फाइव डेज जो प्रिलिम्स प्लेज चल रहा है अपना वो तो चलेगा ही इसीलिए जिनको अगर नहीं हो पा रहा है अवेलेबिलिटी कि हाँ वो क्लास देख सकते हैं आज वो क्लास बाद में देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्लास अपलोडेड रहेगी आप जब चाहें देख सकते हैं ठीक है लेकिन जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइब कर दिया चैनल को बहुत बहुत थैंक यू पर जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है डिटेल में तो आपका स्वागत है तो आइए देखते हैं आज होली स्पेशल में आपके लिए मेगा करंट अफेयर क्लास में जो है कंप्लीट डोज उसमें क्या क्या है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से तो पहला टॉपिक है कर्नाटक दीक्षांत ऐप क्या है नहीं है सब बताऊंगा कर्नाटक में दीक्षांत ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने और क्या है नहीं है बताता हूँ आपको तो ये द इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था ठीक है तो मैंने सोचा कि आपको एक बार इसके ऊपर कवर कर दूं कि जो दीक्षांत ऐप है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या है बताता हूँ आपको तो न्यूज़ में ये है न्यूज में ये है कि कर... दीक्षांत ऐप एक तरह का एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया है कर्नाटक के द्वारा क्यों किया गया है क्योंकि वो इंश्योर करना चाहती है एक्सेस टू द लैंड रिकॉर्ड्स यानी जो भी भूमि का रिकॉर्ड है ना उसका एक्सेस देखना चाहती है ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है ये न्यूज में इसी कारण बना हुआ है ना कि जो लैंड में लैंड की जो रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल डिस्प्यूट्स है उसके ऊपर उसके कारण ही ये न्यूज़ में बना हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि दीक्षांत ऐप है क्या एक्चुअली तो ये बनाया गया था जैसा कि मैंने आपको बता दिया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बट 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 ये बनाया किसके अंडर में है यह बनाया है कर्नाटक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स के हेल्प के माध्यम से ताकि वो क्या कर सके इंश्योर कर सके इजी एबिलिटी ऑफ ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड्स थ्रू ऐप और जिसका नाम क्या रखा गया है दीक्षांत यानी जो भी ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उनका एक्सेस कर्नाटक सरकार या कर्नाटक के लोग कर सकें और उस पर पारदर्शिता हो सके इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है साथ ही साथ इसे विकसित किया गया है जोग्रफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर में जो प्रोग्राम और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम जो है वो किसके अंडर में चल रहा है वो चल रहा है कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के एस आर एस <SAC> सी के अंदर में तो ये हो गई कि क्या है और मैं आपको बता देता हूं कि अब के एस आर सी एस सी डेट इज कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर क्या है मैं आपको बताता हूँ ये क्या है ये एक तरह का क्या करेगा सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट डेटा मतलब क्या होगा सैटेलाइट डेटा का मतलब होगा जो सैटेलाइट फोटो के माध्यम से प्रोवाइड की जाए अब जैसे आप गूगल मैप खोलते हो ठीक है गूगल मैप जैसे आप खोलते हो तो उसमें क्या होता है आप देख सकते हो किसी भी लैंड एरिया को यहाँ से यहाँ तक ये यह लैंड एरिया है उसी सेम प्रकार से ना ये आपका दीक्षांत ऐप आप भी काम करेगा ये काम कर रहा है एस एस एल आर यूनिट इन, ये क्या करेगा एक तरह का सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करेगा किसको करेगा किस, किस एजेंसी को करेगा जैसे एस एस एल आर यूनिट को करेगा किसके लिए इनोवेशन यूज के लिए, लिए। दीक्षांत का मोटो ही यही है कि वो डिजिटाइजेशन कर पाए लैंड रिकॉर्ड का अंडर भूमि प्रोजेक्ट तो जो कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके अंदर में डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स मैंने हाल ही में एक और टॉपिक पढ़ाया था अल्पिन के बारे में जिन लोगों को अल्पिन के बारे में नहीं पता है वो आई बटन के पास देखिए लिंक दिख रहा होगा देख लीजिएगा जाके अभी हर नहीं मेगा क्लास चल रहा है इसको इतना नाम से देख लीजिए आई बटन के पास भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आराम से जाकर देख लीजिएगा अल्पिन समझ जाइएगा तो ये भी समझ जाएगा कि क्या है नहीं है इजी ली समझ में आएगा क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि किसी भी लैंड के ऊपर में डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है कोई आके बोलता है ये मेरा लैंड है कोई आके बोलता है ये मेरा लैंड है कोई बोलता है मेरे पिताजी का लैंड है कोई बोलता है ये मेरे पिताजी का लैंड है तो ऐसे डिस्प्यूट से गवर्नमेंट बचना चाहती है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती बेटा ट्रांस्... जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी ना वहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है उससे बचने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो हम डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड जो भूमि प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें एक एक, एक कदम और ना एक कदम और बढ़ना उसकी तरफ इसीलिए दीक्षांत दि, ऐप लॉन्च ही किया गया है यह अवेलेबिलिटी कराएगा क्या चीज डिजिटाइजे डिजिटाइज स्कैन एंड जियो रेफरेंस मैप मेड इट इजियर टू बिल्ड द ऐप इसका मतलब क्या है जो भी ऐप क्या बन रहा है एक स्कैन जियो रेफरेंस और डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा यानी लैंड कहाँ पर रहे ठीक है उसकी स्कैन फोटो कॉपी टाइप और साथ ही साथ वो क्या रहेगी डिजिटल फॉर्म में रहेगी अब इस पर जो डाटा अवेलेबल होगा वो किस तरह का होगा जैसे डाटा क्या होगा नेम ऑफ द लैंड ओनर यानी भूमि का जो ओनर है उसका नाम ठीक है भूमि के बारे में लैंड कितना दूर तक फैला हुआ है लैंड जो टाइप ऑफ ओनरशिप है क्या है क्या किसी बिल्डर का है या किसी ऐसे नॉर्मल पीपल का है टाइप ऑफ लैंड लैंड किस तरह का है उसके बाद लैंड की कैटेगरी क्या है और इसी तरह के एक्टिव ट्रांजेक्शन को यानी लैंड कितनी बार खरीदा गया है और कितने बार बेचा गया है इस तरह के तमाम जानकारी उस ऐप पे अवेलेबल होंगे और जब ये ऐप पे अवेलेबल होंगे तो इससे क्या होगा इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी सामने और गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है लैंड के ऊपर तो इसके एडवांटेजेस क्या है अगर एडवांटेजेस की हम लोग साथियों बात करें तो एडवांटेजेस क्या है तो एडवांटेजेस जैसे इंफॉर्मेशन देना लैंड लैंड के माध्यम से यानी जो भी होंगे उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन देना भूमि के लिए क्या होगा ये डेटा बेस होगा जो भूमि प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए एक डेटाबेस माना जाएगा लैंड डिस्प्यूट जो बढ़ रहे हैं उसको कम करेगा ट्रांसपेरेंसी लाएगा और दीक्षांत ऐप का सिर्फ यह पर्पस नहीं है कि वो पारदर्शिता लाए या ओरिजिनल स्टेटस लेके आए साथ ही साथ ये ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी लीगल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए जैसे कोई भी लीगल डिस्प्यूट होने वाला है उसके लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए इसका इस्तेमाल सिर्फ जानकारी लेने के लिए हालांकि ये कहने को एडवांटेज है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी ये भी है कि अगर किसी आदमी को यह पता चल जाए बेटा कि ये लैंड किसका है तो इससे क्या हो सकता है इससे उस आदमी पे भी कहीं ना कहीं खतरा आ सकता है समझ रहे हो अगर तुम यूपीएससी के एस्पायरेंट हो ना तो मैं सच बता रहा हूं कि अगर तुम पॉइंट ऑफ बैलेंस नहीं लिख सकते ना बेटा तो तुम अपने सिलेक्शन को इंश्योर करो ही मत मेरा तो फुल सजेशन है इसलिए ना क्योंकि तुम अगर एक साइड लिख के छोड़ दोगे ना तो ये चाहती है जो तुम्हारा आंसर कॉपी चेक करती है एग्जामिनर ये चाहता है कि वो देखे कि बच्चा दोनों साइड देख पा रहा है ये नहीं कि वो एक ही साइड देख पा रहा है वो देखता है और यही एक आई के अंदर है कि फायदे देख सकता है तभी वो ना डिसीजन ले सकता है बढ़िया तरीके से इसीलिए तो यहाँ पे भले ट्रांसपेरेंसी आप लेते आओगे लेकिन जो खतरा बन रहा है किसके ऊपर में ओनर के ऊपर में अब जिसको यह पता चल जाए कि ये लैंड इस फलाने आदमी का है अब ये फलाने आदमी का जब लैंड पता चल जाएगा तो इससे क्या होगा उस आदमी पे कहीं ना कहीं तो खतरा बन सकता है खास करके बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे एरियाओं में ये खतरा तो बहुत ज्यादा हो सकता है अगर इस तरह के ऐप लॉन्च कर दी जाए तो क्योंकि यहाँ इन एरियाओं में ये देखा जाता है ना कि लैंड का डिस्प्यूट सबसे ज्यादा है बिहार उत्तर प्रदेश और झारखंड के अंदर में तो फिलहाल कर्नाटक सरकार ने ये लॉन्च किया है तो डिस्प्यूट तो वहां पे भी है पूरे भारत में डिस्प्यूट है लैंड को लेके अच्छे अच्छे बिल्डर्स इसमें डिस्प्यूट में रहते हैं तो एक तरह से उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना एक यहाँ पे सरकार को देखना पड़ेगा भूमि प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं तो भूमि प्रोजेक्ट भी आपको बता देता हूँ क्या है तो भूमि प्रोजेक्ट एक तरह का डिजिटाइज कर्नाटक लैंड प्रोजेक्ट चलाया गया है कि जहां पे कर्नाटक सरकार चाहती है कि लैंड का जो रिकॉर्ड हो वो डिजिटल फॉर्म में हो ये ज्वाइंटली फंडेड गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड यानी ऐसे स्कीम को क्या बोलते हैं ऐसा प्रोग्राम को क्या बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी क्या है

पैसा खिला के कोई कागज बदल दिया या इस तरह का करप्शन कर दिया और लैंड पे डिस्प्यूट हो गया मानो पैसा खिलाया से लैंड में नाम सब बदलवा दिया पीठ पीछे आदमी के जाली साइन करा के तो इससे बहुत सारे डिस्प्यूट बढ़ने लगा जब कर्नाटक सरकार को यह पता चले कि अरे बाप रे डिस्प्यूट तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसमें उसी दौरान भूमि प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया अब उसी भूमि प्रोजेक्ट को एक तरफ क्या बता उसको पुषप देने के लिए दीक्षांत ऐप को भी लॉन्च किया गया ठीक है

क्योंकि आपके लिए है बेटा मैं देखिए आज होली के दिन भी आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन इंश्योर कर लू ऐसा ना हो कि मैं अपने इंजॉय कर रहा हूं मैं अगर खुद इंजॉय करने बैठ जाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट भी इंजॉय कर सकते हैं तो मैं उनको बताऊंगा ना कि अभी उनके लिए एंजॉयमेंट का समय नहीं है उनका असली एंजॉयमेंट कब होगा जब वो कुछ बन जाएंगे असली होली तो उनकी तब मानेगी ना जब आई एस आई पी एस या बैंकिंग या एस कुछ भी वो दे रहे हो तो उनका जिस दिन वो क्लियर होगा मेरे स्टूडेंट्स का तब मैं मानूंगा कि हाँ उस दिन मेरी असली होली होगी तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मेहनत कर लीजिए एक घंटे डेढ़ घंटे की क्लास रहे या जितनी भी देर की क्लास रहे आप इसे देखिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको यही हैप्पी होली विश कीजिए ताकि उनका नॉलेज बढ़े चलिए बात कर रहे थे हम लोग इसके बारे में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अब ये क्या है नहीं है सब बता देता हूं तो सुर्खियों में क्या बना हुआ है सुर्खियों में यह बनाया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में ये न्यूज आया था सत्रह तारीख को यानी कल ही ये न्यूज आया है ये न्यूज क्या है कि इंडिया ने पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है अब कैसे लॉन्च किया क्या है कौन लॉन्च किया इसके फायदे नुकसान सब बताऊंगा ठीक है तो प्रोजेक्ट पहले बता देता हूं न्यूज ये देखो तो ये वाला लाइन न्यूज है बाकी मैं आपको आगे बताता हूं पहले न्यूज सुन लो न्यूज क्या है कि 16 मार्च को यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट

टाटा कि मोटर प्राइवेट लिमिटेड ठीक है तो द्वारा लॉन्च किया गया था यह प्रोजेक्ट टाटा किसके साथ मिलकर काम कर रहा था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के साथ में इस प्रोजेक्ट में स्टडिंग एंड एवेलिंग वर्ल्ड मोस्ट एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में चर्चा किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया था ट्वेटा मियाराई ट्वेटा मिरा, मिराई इंडियन ऑन इंडियन रोड्स एंड क्लाइमेट कंडीशन आपको पता है कि क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है वहीकल्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर हमें क्या करना है दो डिग्री वाले टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है एज पर पेरिस क्लाइमेट डील एग्रीमेंट ठीक है जहां पर हमने क्या एग्रीमेंट किया है हमने यह साथ ही अग्रीमेंट किया है कि हम क्या करेंगे जो दो डिग्री टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेंगे नहीं तो क्या होगा उसका असर अच्छा साफ साफ है कि दो तक हमारा मुंबई डूब जाएगा इस प्रोजेक्ट का एम क्या है अवेयरनेस स्प्रेड अवेयरनेस यानी अवेयरनेस जनरेट करना रिगार्डिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर में डेमोनिस्ट्रेटेड द बेनिफिट टू सपोर्ट द हाइड्रोजन बेस्ड इको सिस्टम हाइड्रोजन बेस्ड इको सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना हाइड्रोजन क्या होता है या फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी देना उन्हें बताना कि ये सब क्या होता है नहीं होता इसीलिए एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप इतने देर से सुन रहे हो ये होता क्या है दोस्तों तो ये होता है एक तरह का जो हाइड्रोजन से चलता है अब ये हाइड्रोजन क्या होता है हाइड्रोजन देखो आप जब भी हाइड्रोजन जलाते हो ना किसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ठीक है थीके? जब भी आप हाइड्रोजन बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उससे क्या होता है उससे जो जीरो एमिशन होता है जीरो एमिशन किसका होता है CO2 का जीरो एमिशन होता है कार्बन का जो यानी ये क्या है कार्बन न्यूट्रल है इसीलिए इसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना गया है ये जीरो टेल पाइप एमिशन करता है और ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन मारा गया है जीरो एमिशन का अगर आपको गाड़ी चलाना है रोड पे क्योंकि आप गाड़ी को तो हटा नहीं सकते अगर हटा दोगे तो आप अपने काम कैसे कर करोगे रोजमर्रा की जिंदगी में समय पर लेकिन आप जिस गाड़ी को यूज कर रहे हो क्या वो अगर इको फ्रेंडली हो तो क्या आप उससे इन्वायरमेंट नहीं बचा सकते हो? आपका काम भी चलता रहेगा आपका इन्वायरमेंट भी सेव होगा अब जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो मैंने ये बता दिया कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है जो पावर किया जाए हाइड्रोजन के द्वारा यानी ये सेल जो चल बनता है किसी द्वारा बनता है हाइड्रोजन के द्वारा अब जिन लोगों को नहीं पता ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है तो मैं सिंपली उनको एक शब्द में समझा देता हूँ ऐसा हाइड्रोजन अगर आप जो हाइड्रोजन बना रहे हो अब यानी हाइड्रोजन तो आप बर्न कर रहे हो यानी उसे भी पहले कभी बनाया गया होगा तभी आप उसे सीधा बर्ड कर पा रहे हो जब वो बनाया गया तो उसके उसको बनाने का प्रोसेस में अगर 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 कार्बन का एमिशन हो रहा है ठीक है कार्बन का एमिशन हो रहा है मतलब बेटा क्या कार्बन का एमिशन मतलब बनाने के प्रोसेस में अगर वो ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है जो कार्बन जनरेट कर रहा हो तो उसे सिर्फ हाइड्रोजन बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे और अगर उसी प्रोसेस को अगर हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए यानी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए उस केस में उससे हम क्या बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे ये डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प करता है वेरियस सेक्टर के अंदर में साथ ही साथ जो फ्यूल सॉरी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेक्नोलॉजी उसको क्या करता है ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का पोटेंशियल प्रोवाइड करता है क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी यानी अगर ये क्या है क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी यानी ये साफ सुथरा भी है साथ ही साथ ये एफोर्डेबल भी है लोगों के स्तर पे देखोगे तब आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो हाल ही में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चला गया है कि जो हम हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो अब हम जो फ्यूल इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तो होगा लेकिन इसमें जो फ्यूल लग रहा है वो कैसा लग रहा है हाइड्रोजन वाला लग रहा है ठीक है आगे क्लियर हो गया है तो क्लियर हो गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए अगला सुर्खी क्या बन रही है अगली सुर्खी ये बन रही है कि यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन ने एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जोड़ने का बात किया है अब बात कैसे किया है सुन लो चर्चा में क्या बना हुआ है? चर्चा में यह बना है कि आपको अच्छे से पता है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है लास्ट छब्बीस दिन तेईस दिन से ठीक है ये तो बात हो गई फाइटिंग की लेकिन यूक्रेन जो है वो क्या है ऊर्जा के मामले में यानी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के मामले में रसिया पे बहुत ज्यादा निर्भर है इसके कारण रसिया के हाथ में उसका क्या है रशिया ने काट दिया है यूक्रेन का बिजली अब बिजली काट दिया है तो उनका काम तो रुक जाएगा क्योंकि आपको पता है बिजली से ही सब काम हो सकता है अगर उनका काम रुक जाएगा तो यू, उनका ऑटोमेटिकली उनका युद्ध में उनका ताकत कम हो जाएगा उसी ताकत को बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियंस के मेंबर सामने आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि हम एक काम करते हैं हम करते हैं कि हम एक तार बिछा रहे हैं जो 2014 से कहां पे मालडोवा से लेके यूक्रेन के बीच में उससे हम क्या करेंगे चालू करेंगे अब. उससे क्या होगा जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम यूक्रेन को और जो रशिया रोक के रखा है वो एक तरह का सब्सिट्यूट उनको मिलेगा और वो युद्ध में बने रहेंगे आइए दोस्तों क्या है नहीं है सब बता देता हूं ये तो आपको आपको दिख रहा है साफ साफ यूरोपियन कमीशन द्वारा ये न्यूज छापी गई है प्रेस कॉर्नर के अंदर में कि स्टेटमेंट जारी किया गया है कमिश्न यूरोपियन कमिश्नर द्वारा कि वो क्या करेगी ग्रिड एक तरह का ऑफ द यूरोपियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना रही है यूक्रे... यूक्रेन के बीच में जो बना रही थी 2000 कब से 14 से उसको अब कर रही है चालू ठीक है ये तो न्यूज चली अब न्यूज में बताता हूं क्या था जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन जो है वो रशिया यूक्रेन जो है रशिया पे बहुत डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में इसलिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम कर रहा है अब जो यूरोपियन यूनियन जो इलेक्ट्रिक electric, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है उनका नाम क्या है उनका नाम है यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर ये उनका नाम है उन्होंने उनके द्वारा क्या किया गया है एक अनाउंसमेंट किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड है यूक्रेन से लेके मालडोबा के बीच में उसको सक्सेसफुली अब क्या किया गया है ऑन कर दिया गया है और ट्रायल बेसिस के नाम पर यह तो बनी न्यूज़ और यह बनी चर्चा अब मैं बता देता हूं इनका काम कब से चल रहा है जैसा कि मैंने बताया था कि जब रशिया ने क्रीमिया वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था तभी से यूक्रेन को लगता था कि रशिया अपना हरकत कभी ना कभी कुछ दिखाएगा ही उसी सेम प्रकार रशिया को भी यूक्रेन का लगता था इसलिए क्या किया यूरो यूक्रेन के लोग यूक्रेन के जो आपके प्रेसिडेंट है विलामिरदीन जेलेंस्की साहब उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि वो जो एनर्जी लेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी लेंगे वो लेंगे यूरोपियन यूनियन के सहायता से और वो कौन है यूरोपियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा 2014 में इस प्रोजेक्ट को लागू कर दिया गया था 2022 के अंदर में जब इन्वेंशन यूक्रेन के ऊपर एक तरह का मतलब चढ़ाई किया रशिया ने फाइटिंग शुरू की मैं आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया उसी कारण इस को और तेजी तेजी से कर करने के लिए प्रोजेक्ट का काम किया गया और काम करते के साथ अब इसे कंप्लीटली चालू कर दिया गया है ट्रायल बेसिस के नाम पे अब मैं बताना चाहता हूं आपको थोड़ा सा कि यूरोप एनर्जी सप्लायर जो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल कौन, ग्रिड है वो क्या है ये एक तरह का पोर्टुगल से लेके पोलैंड तक फैला हुआ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी चेन है जैसे नहीं होता एक टावर से लेकर दूसरे टावर तक तो एक टावर से जो फैला हुआ लाइन है वो जा रहा है कहां तक Poland तक पोलैंड ये ये क्या करता है हेल्प हेल्प प्रोजेक्ट करेगा इमरजेंसी के दौरान इसको चालू किया गया है और इस, ये हेल्प क्या करेगा मेंटेन करने का स्टेबिलिटी जो यूक्रेन एंड मालडोवा के बीच में पावर सप्लाई है जो रशिया पे कहीं कही ना कहीं डिपेंड था उसको डिपेंडेंसी को कम करके ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन एंड मालडोवा के इकोनॉमी पे और साथ ही साथ उनका जो जो वो लड़ रहे हैं किसके लिए अपनी सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट के जो भी अभी लड़ाई चल रही है उनका क्या मोटो है एक्चुअली सबका मोटो तो सबको आधा बताइए कि ये रशिया वाले चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और यहाँ यूक्रेन नाटो से खाली हेल्प लिया जा रहा है तो यही तो व्लामिदिन पुतिन नहीं चाहते थे तो यही न्यूज में चल रहा है और यही मैं सिंपल बताना चाहता हूँ कि उसको कम्पलीटली अलाउ कर दिया है कि आप तुम एनर्जी सप्लाई लो और जो भी जनरेट कर रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक को और अनदर कंट्रीज को और यही एनर्जी क्या करती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक को भी सप्लाई की जाती है और अनदर यूरोपियन कंट्रीज को भी यहीं से लाइट सप्लाई की जाती है तो नहीं होता चलो तार खींच लेते हैं वाला, तार खींचने की बात कही गई है तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि यूरोपियन नेटवर्क अब मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि यूरोपियन नेटवर्क ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर क्या है तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम है जो किसके द्वारा बनाया पैंतीस है कंट्रीज द्वारा द्वारा बनाया गया है, इस, है इसका इसका क्या है बसल बेल्जियम के अंदर में है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल ग्रिड माना जाता है तो अब यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी उठ सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड ग्रिड कौन सा है इलेक्ट्रिकल ग्रिड कौन सा है तो आप एंड सो ई नाम याद रखना ठीक है ये कब स्टेब्लिश किया गया था 2009 के अंदर में और ये क्या करता है ये एक तरह का थर्ड पैकेज प्रोवाइड करता है इंटरनल एनर्जी के मार्केट के ऊपर में जैसा कि गैस हो गया या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी और गैस में जो ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है ये इन्हीं के द्वारा की जाती है तो 2009 में इसका शुरुआत किया गया था इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है ये इसके मेंबर कौन है यूरोपियन यूनियन एंड नॉन यूरोपियन मेंबर्स ऑफ स्टेट भी इसके मेंबर है में थर्टी फाइव कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया था जो यूरोप के हैं अगला सुर्खी क्या है अगला सुर्खी यह है कि यूएस फेड रेट हाई इंपैक्ट ऑन इंडिया यानी यूएस का जो फेडरल पहले समझो एक बात समझो सुनो सब कुछ बोल रहा अब मैं जो बना हुआ वो समझो तीसरा न्यूज तीसरा न्यूज सॉरी चौथा न्यूज ये है कि आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ कौन है आरबीआई है ठीक है मैं बताऊ अब आपके यहाँ क्या है आरबीआई है अब यही आरबीआई जैसे आपके यहाँ कौन काम करता है आरबीआई काम करता है ठीक है सर हमारे यहाँ तो आरबीआई काम करता है तो ऐसा ही यानी आरबीआई के अंदर में बहुत सारा बैंक आता है तो क्या ऐसा ही कोई सिस्टम यूएस यू में भी है क्या जी हाँ ऐसा ही सिस्टम यूएस में भी है यूएस में जो आरबीआई है ना उसका नाम क्या है पता है फेडरल बैंक यही फेडरल बैंक क्या कर रहा है अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है और इससे क्या हेम्पर हो रहा है इंडियन इकोनॉमी आप सोचोगे कैसे साहब ये कैसी बात हो गई इंटरेस्ट रेट उनका बढ़ रहा है हमें प्रॉब्लम किस बात का यही तो माज रहा है यही तो मेन चीज समझना है आपको यह समझना है कि जब चल रहा था कोरोना काल ठीक है कोरोना काल चल रहा था कोरोना काल में क्या हो रहा था कोरोना काल में जब पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी थी ना उस समय इंडियन इकोनॉमी में जो शेयर मार्केट है ना घपा घप गप घपा घप गप पैसे छाप रहा था सबको लगा अरे बाप रे बड़ा पैसे छाप रहा है इंडियन इकोनॉमी तो पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो गया है लेकिन इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो पूरा बूम में है उस समय पैसा खूब मल्टीप्लाई किया गया मल्टीप्लाई कैसे किया गया ये लोगों ने क्या किया जो ब्याज दर दिया जाता था यूएस के द्वारा वो बहुत ही कम था बोला कि कोरोना काल है मैं कम ब्याज लेता हूं इन्हीं ब्याज कम करने के चक्कर में उनके कंट्री में आ गया इन्फ्लेशन अब वो क्या कर रहे हैं ब्याज दर बढ़ा रहे हैं जैसे अपने यहाँ आरबीआई आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाता है वैसे ही वहां फेडरल बैंक बढ़ा रहे हैं अब फेडरल बैंक तो ब्याज दर बढ़ाएंगे यानी आपने जो पैसा लिया है अब उसे दुगना दाम में चुकाना होगा अब आपको चुकाना होगा तो पैसे तो आप रातों रात घर में छापोगे नहीं यानी आप क्या करोगे आप करोगे डिस इन्वेस्टमेंट यानी आप क्या करोगे पैसे निकालोगे यानी पैसे निकालोगे कहां से जहां कहा पैसे लगाए थे अब यही पैसे वो क्या किए जो अमेरिका में फेडरल बैंक से पैसे लिए दो परसेंट के ब्याज पे वही वो इंडिया में लगा दिए दस परसेंट के ब्याज में क्योंकि अपने यहां डॉलर महंगा है डॉलर महंगा है इसके कारण इकोनॉमी हो गई बुम हमारी इकोनॉमी हमारी बुम हो गई उसके कारण इन्होंने खूब पैसे छापे अब ये क्या कर रहे हैं पैसे निकाल रहे हैं अब पैसे निकाल रहे हैं तो शेयर मार्केट नीचे आ रहा है उधर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया का वॉर देखिए यही बात है न्यूज में अब मैं दिखाता हूं को हो क्या रहा है रीजन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2018 के बाद में पहली बार ऐसा देखा गया कि फेडरल बैंक जो है अपना क्या कर रहा है रिजर्व फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेस पॉइंट के हिसाब से ये इन्फ्लेशन फरवरी में कितना बढ़ गया यूनाइटेड स्टेट्स में सात दशमलव नौ प्रतिशत बढ़ गया है और ये चालीस दस साल के सबसे उच्चतम स्तर पे है यह चालीस साल में इतनी महंगाई कभी नहीं देखेगा यूएस में जितना इस बार फरवरी में देखा गया यही बात टेंशन में डाल दिया किसको आपका यूएस को लेकिन ये कहने की रीजन में देते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसलिए ग्लोबल स्तर पे कॉमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि सच्चाई तो ये है ही नहीं ये तो सिर्फ कहने की बात है ये लोग सिर्फ दिखा रहे हैं एक्चुअली अगर ऐसा रहता तो इंडिया का प्राइस क्यों इंडिया में इतना शेयर मार्केट नीचे क्यों आता इंडिया में चीजों के दाम क्यों बढ़ते हैं क्योंकि यही असली माजरा है इन्होंने जो पैसे लगाए ना और आप पूछोगे क्या यूएस वाले इंडिया के शेयर मार्केट में लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं किसने कहा आपको नहीं लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं इंडियन में जो एक होता है एफ आपने सुना होगा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है एक होता है एफ वो मैं नहीं बताता वो याद नहीं आ रहा मेरे को और एक और होता है ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा फिलहाल अभी मेरे को याद इसका भी नहीं आ रहा है तो उसी माध्यम से उसी बेसिस पे जैसे एफ डी आई लेके आते हो ना वैसी क्या करते हैं कुछ पैसे वाले लोग भारत के क्या करते हैं सुनो भाई तुम डॉलर डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिया में चलता है रुपया ठीक तुम क्या करो अपना पैसा हमको भेजो तुम हमको अपना पैसा भेजो और हम उसको क्या करेंगे इंडिया में जो लोग हैं जो उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं वो जाके उसी पैसा को कन्वर्ट कराते हैं रुपया में और फिर लगाते हैं क्योंकि वो इंडियन है इसलिए वो शेयर मार्केट में लगाते हैं और ये जो ज्वाइंट तीन चार लोगों का पैसा लेकर लगाते हैं ना एक साथ इन्हीं को एक वर्ड दिया जाता है वो वर्ड याद नहीं आ रहा याद आ गया तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसी चलते ये सब हो रहा है लेकिन ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो इन्फ्लेशन बढ़ने का दबाव चल रहा है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं अपनी ब्याज दर को बढ़ा रहे हैं जो मनी सप्लाई है उसको कम कर रहे हैं ताकि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आए अब इन्फ्लेशन जो इन लोगों को नहीं पता है भाई उन लोग को तो बिल्कुल बताऊंगा पीटी मत ही देना लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि कुछ महारती आएंगे जिनको इन्फ्लेशन नहीं मालूम इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना महंगाई कैसे बढ़ता है अब सुनो कैसे बढ़ता है मानो आपके पास है ये है बैंक ठीक है इसने दिए आपको सौ रुपये गरीब आदमी ठीक है इसके पास कोलेट्रल में कुछ रखने को नहीं था इसलिए इसको दे दिया कुछ ने इसको कुछ नहीं दिया इसको दे दिया सौ रुपया अब मार्केट में क्या था यही सौ रुपया इसको जो दिया कोलेट्रल लेके यही बीच में क्या हुआ था कोरोना के टाइम जब इकोनॉमी बढ़ाने की बात हुई ना यही ब्याज को पूरा कम करके पैसे पूरा छका छक छापे गए और छका छक दिए गए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको पैसे दिए गए बोले पैसा रख लो साहब दे दिए तो ठीक है नहीं लौटा पे तो कोई दिक्कत नहीं है कॉलेटरल है ये नाम का देख लेंगे सिक्योरिटी आपका ले जाइए जितना मन पैसा एक कोलेटरल के नाम पे ले लिए कम कोलेटरल और दे दिए ज्यादा पैसा जब ज्यादा पैसा दे दिए ना इन लोगों तो ये लोग ने क्या किया वही पैसा से अब पैसा ज्यादा आ गया तो अकाउंट में बैठ के तो नंबर गिनेगा नहीं करेगा खर्च अब यानी जब सप्लाई बंद था कोरोना काल में ये लोग ने क्या किया ये लोग ने एक्स्ट्रा पैसे बोला कि सुनो भाई तुमको सौ रुपया हम एक सौ बीस रुपया देंगे लेकिन सामान पहले मेरे पास आना चाहिए किसी और को बंद देना तो मेरे पास एक सौ बीस रुपया अब वो क्या सेलर सुना अच्छा बाबा सौ रुपए का सामान एक सौ बीस रुपए में बिक रहा है तो मेरा तो फायदा ही फायदा है बीस टका का तो हम क्यों नहीं इसको बेचेंगे उसी चलते जो दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा था वो तो बोला अरे सर मेरे पास तो अस्सी रुपया का था तुम अस्सी रुपया लिया हो तो तुम्हारा क्या मार्केट बाहर निकलो ये लोग ने किया क्या इन लोगों ने बढ़ा दिया महंगाई इसी महंगाई को बढ़ाने को कहते हैं इन्फ्लेशन यानी अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई कैसे कम होगी बेटा मनी सप्लाई कम होगी जब क्या लगाएगी गवर्नमेंट टैक्स जी हाँ क्या लगेगी टैक्स यानी बोलोगे तो टैक्स लगा देंगे नहीं बोलोगे तो टैक्स लगा देंगे खाओगे तो टैक्स लगा देंगे नहीं खाओगे तो टैक्स लगा देंगे जितना टैक्स लगा देंगे ना तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा पैसा खुद कम हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा इससे क्या होगा इसके हाथ में भी सौ रुपया हो जाएगा और इसके हाथ में भी सौ रुपया होगा महंगाई नॉर्मल जाएगी इनफैक्ट मैंने महंगाई समझा दिया एक नॉर्मल बात से कि महंगाई क्या होती है जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक स्पेशल क्लास इन्फ्लेशन के ऊपर ले दूंगा अच्छे तरीके से पूरे तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह सब कवर कर दूंगा अगर बोलोगे तो सुनना हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है तो यह देखा गया कि जो पॉलिसी रेट रखा गया था वो वन दशमलव सात पांच से लेके दो तक बढ़ा गया बाईस तेईस के हिसाब सॉरी हाँ, बाईस तेईस के हिसाब से इसीलिए अब ये यूएस कहता है कि हम क्या कर रहे हैं हम अपने इंटरेस्ट रेट को तो बढ़ा रहे हैं और इससे हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्योंकि ये यूएस का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर में और हाई रिटर्न देता है यू, यूएस इसीलिए फॉरजन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं अपने पैसे को मार्केट से खींच रहे हैं उसी कारण से क्या हो रहा है उसी कारण से सेफ एंड सिक्योर रिटर्न के चक्कर में वो इंडिया के मार्केट को नीचे कर रहे हैं और इंडिया अभी आरबीआई इसी के ऊपर क्या करने वाली है एक फैसला देने वाली है कि जो रुपी जो है वो डॉलर के हिसाब से कम हो रहा है कमजोर हो रहा है और ये पता ये है ये लोगों का क्या एजेंडा भी है ये कितना बड़ा गेम खेलता सुनो ये क्या सोचते हैं ना कि जब महंगाई बढ़ेगा यानी क्या होगा डॉलर कमजोर हो जाएगा जब डॉलर कमजोर हो जाएगा यानी यूएस का कमजोरी ये डॉलर कमजोर होना मतलब मानते हैं यूएस कमजोर होना और उसको तो कमजोर होने नहीं देंगे है तो भाई यूएस यूएस के सामने आगे कमजोर होने दे यही जो इनका रवैया है ना यही सब इनका रवैया दिखा रहा है अभी इनको तो पता चलेगा आने वाली इकोनॉमी में देखना तो ये यूएस क्या किया ये तो चतुर जो था इसका फेडरल बैंक इसको बोला सुन भाई ब्याज दर बढ़ा चल चल सुन ब्याज दर बढ़ा ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर है, इनको पैसा खिंचवाओ वापस मार्केट से जैसे खिंचाएंगे डॉलर अपने आप बढ़ जाएगा वैल्यू डॉलर का क्योंकि तो मार्केट में हो रहा है डॉलर कम और जब कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा डॉलर महंगा बिकेगा इसीलिए रुपया हो गया सस्ता इसी सब कारण से इंडिया पे इन्फ्लेशन का असर दिख रहा है इसके ऊपर में आरबीआई ने एक डिसीजन लेगा आने वाले मीटिंग में जो क्या हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होने वाली है अप्रैल के अंदर में उसके ऊपर आरबीआई फिर से नीति बैठाएगा कि वो जो फाइट हो रहा है कैपिटल का इंडिया को लेके जो प्रेशर है आरबीआई के ऊपर में कि उसे ग्रोथ भी मेंटेन रखना और इन्फ्लेशन भी इसके लिए वो चा, चांस लेगा यहाँ तक कि आर ने यह भी कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिकल एंड प्रोग्राम आर बी ने एक डाटा लॉन्च किया था और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम यानी के द्वारा जो बता रहा था कि रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में छः दशमलव सात परसेंट फरवरी में बढ़ चुका है जबकि जनवरी के हिसाब से छः दशमलव शून्य एक प्रतिशत था और यह मान रहा है कि सेकंड अगर यही स्पीड रहा तो आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स छः तक ही मेंटेन नहीं रखेगा उससे ऊपर भी जा सकता है और अगर ऊपर जाएगा तो वास्तविक है चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे जब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि RBI को जो दो काम करने हैं क्या करने हैं ग्रोथ मेंटेन रखना है दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है यानी जी एन आई वाला जो रोल निभाना है यानी उनको यह निभाने के लिए क्या करना होगा बढ़ाना पड़ेगा अपना ब्याज दर यानी करना पड़ेगा रुपया को मजबूत और खींचना पड़ेगा मार्केट से पैसे टैक्स लगा के ठीक है अब लास्ट आज जो सुर्खी बन रहा है वो क्या बन रहा है कि डे लाइट सेविंग टाइम ये टॉपिक मैंने इसलिए से रखा है क्योंकि ये बहुत ही बकवास टॉपिक है इसका टॉपिक का कोई मतलब नहीं लगता मेरे को लेकिन ऐसे टॉपिक टेक्निकल टीम अगर डाल रही है तो भाई नमस्ते है उनको मेरा डाल दी उन सोचते हैं सर सब पढ़ा लेंगे तो सर सभी पढ़ा लेंगे भाई क्या दिक्कत है सर भी सब पढ़ा देंगे क्या दिक्कत है बच्चे भी सोच जाएंगे कुछ या आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो इससे भले आपको बहुत फायदा होगा अब सुनो क्या है फर्स्ट पॉइंट

अगर हम एक घंटा बढ़ा देंगे ठीक है तो उससे क्या होगा एक घंटा का बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा लोअर कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी का कैसे कंजम्पशन होगा जैसे अगर आप दिन में एक घंटा ज्यादा अगर काम करते हो तो इससे क्या होगा एनर्जी का यूज जो होगा आप कम होगा आप सोचते हो दिन अच्छा बढ़ दिन लंबा हो रहा है यानी आप एक घंटा तो पहले उठोगे एक घंटा पहले उठोगे यानी एक घंटा पहले, पहले काम शुरू करोगे एक घंटा जब पहले काम शुरू करोगे तो एक घंटा में जो होने वाला बिजली है उसका इस्तेमाल भी कम होगा अब इसको ऐसे समझाता सुनो, बजे होता है, ठीक है ये समझते हैं कि बजे से सूर्य इस्तेमाल कीजिए इनको लगता है इनसे इनका एनर्जी बहुत कंजम बच जाएगा वाह 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 बहुत बच जाएगा और इनके साथ बहुत ऐसे नमूने सत्तर देश है ना जो इस चीज को मानते हैं सिवाय यूनाइटेड स्टेट के दो स्टेट है वो ऐसा नहीं मानते बोलते यूरोपियन यूनियन चाहता दोस्त हैलिया तो हो, 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 हो गया ये लोग तो भाई पूरा विश्वास करते हैं नहीं 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 बहुत सही बात है तुम तो एक घंटा अरे हमारे यहाँ तो शुरू से परंपरा है जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी काम करोगे ये लोग क्या ये सब डीएसटी लेके आ रहे हैं ये तो इंडिया में बहुत आप ये समझ लो इंडिया का जो भी चीज है ना वो बहुत ही अनमोल है अगर वो खत्म हो रहा है ना तो खत्म यहाँ के लोगों के कारण हो रहा है आपको जो भी चीज मिला है ना आपके पुरखों द्वारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीसियस है आप ऐसे नहीं सोच सकते सोचो पहले कैसे बोलता था कि जल्द जल्दी उठने से जल्दी काम होगा बोलता है ना जो सबसे अर्ली टू बेड अर्ली टू बोलता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस एंड फाइन ऐसे वर्ड जो बोला जाता है क्यों बोला जाता है कहने का ये मतलब है कि अगर आप जितना जल्दी सुबह उठोगे छह बजे शुरू हो होता है तो छह बजे उठ जाओ छः बजे से अपनी काम लगो इससे क्या होगा आप समय का बचत कर पाओगे अपना कार्य को सही टाइम पे पूरा कर पाओगे ये लोग इसके ऊपर एक बिल ले आते हैं और ये सोचते हैं कहीं तुम्हारा अपने इंडिया में ऐसे बिल लाने की जरूरतें नहीं है लेकिन अगर लाया गया तो भी ठीक है परंतु ऐसा बिल लाने का कोई मतलब बनता नहीं है अगर आपको सही में वास्तविक से शुरू से ये बताया जा रहा है भारत के देश के बच्चों को तो उन्हें फॉलो करना चाहिए आप सुबह उठो सुबह उठ के अपने हेल्थ पे थोड़ा काम करो थोड़ा पढ़ाई पे ऊपर काम करो इससे क्या होगा आप काम भी ज्यादा कर पाओगे और इससे क्या होगा आप जब सुबह छह बजे उठोगे तो छह बजे से आपको बारह घंटे काम करें मतलब अगर वहीं आप सात बजे उठते हो जबकि छह बजे सूर्योदय हो चुका है तो आप क्या कर रहे हो ग्यारह घंटे काम कर रहे हो यानी एक घंटा अपना बर्बाद कर रहे हो सो के तो उसे ना करो ये तो बचपन ही बताया जाता है भारत में ये लोग बिल लेके आते हैं अभी भी बोल रहा हूँ दूसरे से तुलना मत करो भारत बहुत आगे है और भारत आगे था आगे है और आगे ही रहेगा सबसे चलो तो मेगा क्लास खत्म हुआ आज होली समारोह पे आप लोग का धन्यवाद आप लोग यहाँ आए अपना महत्वपूर्ण समय दिया मेरा महत्वपूर्ण समय लिया इसी तरह पीटी टी की तैयारी में लगे रहिए कल क्लासेस आएंगी नहीं आएंगी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन वाली टीम है वो कहीं और छुट्टी पे है तो सब छुट्टी पे भाग जाते हैं तो सबके साथ दिमाग लगाना पड़ता है ना कहीं ना कहीं अब अभी तो मैं अकेले ही इसको चला रहा हूँ बाकी तो फिर अगर जुड़ता है कोई साथ में तो ठीक है तो फिलहाल अभी मैं बता दूंगा आपको कि कल क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि नहीं जी एस पेपर वन टू थ्री फोर से तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड विश यू हैप्पी होली अगेन ठीक है छोटों को प्यार दें बड़ों का सम्मान करें साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखें, ठीक है चलिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय भारत